हेलो एवरीवन, प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग पॉसिबल है या नहीं है, कुछ सवाल यहाँ पर मुझे मेरे मेंबर्स ने भेजे हुए थे, उसके लिए ये मैंने बेसिकली वीडियो बनाया है। क्या माइंड रीडिंग सही में पॉसिबल है? क्या हम लोग किसी का माइंड पढ़ सकते हैं और उस माइंड को हम लोग क्या बदलाव कर सकते हैं, उस माइंड में हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ताकि ऐसा कोई इंसान जिसका स्वभाव बहुत ही गुस्सेला है, उसको बहुत बुरी बुरी आदतें हैं, बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं, या फिर बच्चों की जो भी समस्याएं जो वो हमको नहीं बता सकते, क्या वो हम अपने माइंड में ला सकते हैं, उनका हम माइंड रीड कर सकते हैं? तो ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब है हाँ। माइंड रीडिंग की जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है, बहुत आसान होती है, अगर आप प्रॉपर गाइडेड जो होता है, जो हमने हम लोग जो भी गाइडेंस देते हैं, अगर आप उस गाइडेंस को चलकर इस प्रैक्टिकल जो थ्योरी होती है, उस थ्योरी का अगर आप इस्तेमाल करोगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइज हैं और उसमें आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए क्या होता है, लोग आते हैं, उनको लगता है कि हमको तुरंत आने के बाद में प्रैक्टिकली हम लोग सीख जाएं। वन डे में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो मिलना शुरू हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो, उस प्रैक्टिस के अनुसार आप में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। ये कोर्स हम लोग ऑनलाइन माध्यम से सिखाते हैं। इस कोर्स में बेसिकली बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये कोर्स जो है आप जब भी हमारे इसमें रोल आउट करते हो, जब भी आप इसका एडमिशन लोगे ऑनलाइन के माध्यम से, और सीखने की आप लोग जिस दिन आप लोग सीखना शुरू कर दोगे, तब से लेकर आप पूरी तरह से, जब तक आप उसमें सही नहीं हो जाते हो या फिर आप में वो माइंड रीडिंग की क्षमता नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग आपको गाइडेंस देते रहते हैं। बहुत सारी ऑडियोज फॉलो करने हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, बट ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान होती है। महज 20 से 25 मिनट की कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। ऑफकोर्स आपको यहाँ पर एक पार्टनर की बहुत आवश्यकता है, ताकि ये पार्टनर के बगैर आप प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग नहीं कर सकते हो। शुरू शुरू में आपको माइंड रीडिंग करने के लिए एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो बंदा आपको आपको इस माइंड रीडिंग को पॉजिटिवली ले, आपको पॉजिटिवली ले, ना कि आपको नेगेटिव पैटर्न में लेके जाए, ऐसा नहीं होता है, ये कुछ अलग ही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे अगर लोग रहेंगे, वो नेगेटिव लोग इर्द गिर्द में नहीं चाहिए। एक ऐसे बंदे का चुनाव करें जो प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग में भरोसा रखता हो और खुद अपने 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 आप के लिए वो पॉजिटिव हो। ऐसा आपका कोई पार्टनर आप खुद ही चुन लीजिए। और दो लोगों का यहाँ पर जो एडमिशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले आप ऑनलाइन से सीखें, तो जब भी आपकी दो की टीम रेडी हो जाए, दो से लेकर अगर ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, बट मिनिमम 2% इज़ रिक्वायर्ड, ताकि आप जब घर पे उनके साथ में जब माइंड रीडिंग की एक्सरसाइज करें, तो उनको भी पता हो कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज से आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपने ये कर लिया तो माइंड रीडिंग इज़ अ बहुत सिंपल और बहुत अच्छी टेक्निक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए, जब भी आपको अगर प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग के लिए अगर कोर्स को अगर जो शुरू करना होगा, तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन कीजिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको पूरी तरह से गाइडेंस दिया जाएगा और यकीन मानिए आप माइंड रीडिंग कर सकते हो, माइंड को पढ़ सकते हो और उसमें बदलाव भी कर सकते हो। बदलाव जो अच्छे के लिए होते हैं, हम लोग ये जो सिखाते हैं वो अच्छे के लिए सिखाते हैं, ताकि ऐसे कोई लोग आपके इर्द गिर्द में हैं जो उनको लगता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, भले फिर वो किसी भी अल्कोहल या फिर सिगरेट्स या फिर कोई ऐसी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी रिलेशनशिप की समस्याएं होती हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं या फिर छोड़ने के बाद तकलीफ होती है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका एक उन्होंने माइंड सेट कर लिया है, और ये माइंड सेट जो होता है वही हमेशा सारी समस्याओं का जड़ होता है। जब इसको हम लोग चेंज कर दें, उसके माइंड से ही अगर उसको निकाल कर वहाँ पर अच्छी प्रोग्रामिंग कर सके, तो ज़िंदगी जो है वो आसान बन जाएगी। तो माइंड रीडिंग आप दूसरों का भी कर सकते हो, और माइंड रीडिंग करते वक्त आप याद रखिए कि आपके खुद में पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि ये पॉजिटिव एनर्जी आप में है, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग, जो पूरी तरह से आपके खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर होगी। आपको पूरी तरह से सेम डे से ही एक्सरसाइज दी जाती है, और सेम डे से ही आप धीरे धीरे करके आप दूसरों की माइंड रीडिंग करना शुरू कर देते हो।
तो आइए मुझसे जुड़िए, मैं शिरीष काकड़े। नीचे दिए गए जो जो सब्सक्राइब जो जो बटन होता है उसके ऊपर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।